इसका नाम है आइडियो स्प्लिटर, और ये है आइडियो स्प्लिटर, ये भी इसका नाम भी आइडियो स्प्लिटर है, मगर दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या गेमिंग करते हैं, तो ये डिवाइस ज़रूर आपको यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे, और बताएंगे क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका टेस्ट भी करेंगे, और साथ में आपको बता दें कि ये अमेजोन पे मिलने वाले सबसे सस्ते डिवाइस हैं, स्प्लिटर हैं। तो यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूँ रितेश मिश्रा, मैं हूँ प्रयागराज से, और आप देख रहे हैं यहाँ पे टिंकर तेज चैनल, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह टेक से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिटी दिखाते हैं, फिर आपको डिफरेंस बताते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे बताते हैं कि आपको इसको परचेज करना है कि नहीं करना। पहले बात करते हैं इस ब्लैक कलर के आइडियो स्प्लिटर के बारे में, तो यहाँ पे बता दें कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, और साथ में आपको यहाँ पे कैप में ये आपका जो पिन है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोनों के पिन में भी डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप अपने पीसी, लैपटॉप या आप डेस्कटॉप या आप अपने मोबाइल में किसी भी डिवाइस में इसको यूज कर सकते हैं एज ए स्प्लिटर के रूप में, और बता दें कि इसमें आप आइडियो एक तरफ से आइडियो को स्प्लिट कर सकते हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पे आप माइक को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मीन्स कि एक साथ अगर आपको माइक और हेडफोन यूज करना है तो इससे आप यूज कर पाएंगे। तो अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे आपको ये कॉपियर मिल जाएगा, ये भी आइडियो स्प्लिटर है। तो बता दें कि यहाँ पे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इसको परचेज करें कि ना करें, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी के बारे में, तो क्वालिटी यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही है, अच्छा ही है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं, तो ये टूटने वाला नहीं है, तो ये भी इसमें एक अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे इसमें जो प्लेटिंग है, कोटिंग है सभी जगह, वो गोल्ड कोटिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं येल्लो, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे रस्ट वगैरह नहीं लगता है और जो सिग्नल है वो अच्छे से हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी कोटिंग यहाँ पे गोल्ड कोटिंग दी गई है, दोनों में ही यहाँ पे दिया गया है गोल्ड कोटिंग। अब बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में, तो दोस्तों दोनों ही स्प्लिटर हैं, मगर यहाँ पे इसको कॉपियर बोलते हैं और यहाँ पे इसको आइडियो स्प्लिटर एंड माइक्रोफोन स्प्लिटर, मीन्स कि टू इन वन, जब आप दो चीज़ें एक साथ लगाना चाहते हैं तब आप इसका यूज करेंगे, मगर इसको जब आप यूज करेंगे तो ये सिर्फ एक ही चीज़ को यहाँ पे कॉपी मीन्स कि करता है। जैसे कि मान लीजिए आप सिर्फ हेडफोन यूज करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हेडफोन ही दोनों में आप यूज कर सकते हैं, मगर इसमें क्या है कि आप इसमें हेडफोन प्लस यहाँ पे माइक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नज़दीक से अगर फोकस होता ध्यान से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए सिंबल भी यहाँ पे बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक तरफ माइक है और एक तरफ हेडफोन, मगर इसमें आपको कोई भी यहाँ पे सिग्नल सॉरी सिंबल नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ब्रांडिंग है। तो ये कॉपियर है, मीन्स की एक कोई भी एक चीज़ यहाँ पे कॉपी होगी और यहाँ से आप वो दो एक साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि दो हेडफोन एक साथ इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों इसको परचेज करने से पहले एक बात है और आपको यहाँ पे बता दे, डिफरेंस बता दे कि इसमें सिर्फ आप हेडफोन ही लगा सकते हैं, माइक नहीं लगा सकते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि जब भी आप कोई भी डिवाइस खरीदें तो यहाँ पे आपको दिखा दें कि ये जो कनेक्टर होता है, जब भी आइडियो की कोई भी स्प्लिटर होती है उसका ये जो पिन होता है यहाँ पे, ये 4 पिन होता है, देखिए इसमें 3 पिन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें आपको 3 जो है यहाँ पे 2 ब्लैक मिलेगा और 3 पार्ट पे ये डिवाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं आप इसको देखेंगे ये ब्लैक वाला जिसमें आइडियो भी आप माइक भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 4 भाग में यहाँ पे बटा हुआ है, मतलब इसको 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है।
तो इसमें आप आइडियो माइक भी लगा सकते हैं, माइक को भी यहाँ पे जो है आप सुन सकते हैं। और इसमें आप अगर माइक लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, माइक काम नहीं करेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जनरली जो यहाँ पे परचेज करते हैं वो यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं, सोचते हैं एक तरफ यहाँ पे माइक लगा लेंगे और एक तरफ यहाँ पे हेडफोन लगा लेंगे, मगर वो काम नहीं करता है। दोस्तों इसमें भी एक आता है जो कि महंगा थोड़ा सा होता है, तो इसका प्राइस करीब 300-200 आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। ये भी 200 का अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। तो क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंस रहती है, मगर इसमें आपको जो आइडियो अगर चाहिए, जैसे कि आपको दो माइक एक साथ लगाना है, दो हेडफोन एक साथ लगाना है, तो उसका भी आता है उसमें। मगर उसमें डिफरेंस क्या होता है कि यही पिन वहाँ पे चार रहता है, तो ये डिफरेंस है। और लोग इसको परचेज़ कर लेते हैं, आप भी शायद परचेज़ कर लिए होंगे या करने वाले थे, तो इस वीडियो को देख के आप ज़रूर यहाँ पे जान गए होंगे। तो दोस्तों जब भी आप इसको परचेज़ करें, अगर आपको ये वाला परचेज़ करना है जिसमें आपको दो हेडफोन एक साथ लगाना है, दो माइक एक साथ लगाना है, तो वहाँ पे ये ध्यान ज़रूर दें कि यहाँ पे ये जो डिवाइडेशन है ये 4 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। इसमें 3 है तो इसमें सिर्फ हेडफोन ही जो है आप सुन पाएंगे, माइक इसमें नहीं सुन पाएंगे। तो ये ब्रांड में बता दूँ, टाइजुम ब्रांड है, चाइना का प्रोडक्ट है। तो इस तरह का आपको स्प्रिंग वाला का यार ध्यान दीजिए, अगर स्प्रिंग वाला मिलता है तो इसको मत परचेज़ करिए। बाकी अगर आपको वो भी परचेस करना है जिसमें आइडियो स्प्लिट हो सके और हेडफोन कोई भी स्प्लिट हो सके, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फटाफट मैं इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं मोबाइल ले लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल में भी वर्क करेगा, तो इसको मैं वर्क टेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको सिंपल सा अपने यहाँ पे हेडफोन यहाँ पे जैक में लगाना होगा, और जैसे आप लगाएंगे तो यहाँ बता दे सिंबल तो आ गया है हेडफोन का। अब मैं इस हेडफोन को लगा के, ये जो हेडफोन है ये, इसको लगा के मैं जो है टेस्ट करता हूँ, कोई म्यूजिक सुनता हूँ कि इसमें बज रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं, यहाँ पे ये टाइट लग रहा है, मीन्स की फिटिंग इसकी अच्छी है। इसको टेस्ट कर रहा हूँ तो आवाज़ इसमें आ रही है, मीन्स की ये वर्क कर रहा है। आप इसमें दो हेडफोन एक साथ यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ कि इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो गाइस यहाँ पे आवाज़ आ रहा है इस पे, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आवाज़ तेज़ कर रहा हूँ, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ये मुझे सुनाई दे रहा है इसमें हेडफोन में। मेरा ये यहाँ पे आवाज़ भी अच्छी आ रही है। फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसकी टेस्टिंग कर लिया है और दोनों ही प्रोडक्ट वर्क कर रहे हैं, मगर जो डिफरेंस है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वो डिफरेंस ज़रूर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें तो वो ज़रूर ध्यान में दें। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इन दोनों का भी दे दिया, वो भी आप परचेज सकते हैं। और क्वालिटी वगैरह ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, ये भी आपको 250-300 के बीच में मिल जाता है, और ये भी 200, ये भी 100 रुपये में भी मिल जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पे टेस्ट किया, तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेज़ करना है तो आप लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग के लिए इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको माइक चाहिए और हेडफोन दोनों के लिए ये वाला चाहिए जिसमें आप दो हेडफोन या दो माइक एक साथ लगा सके, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, और चैनल पे नए आए अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, रितेश34, वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा, तो आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।